आपको प्रॉमिस किया था कि हम लेकर आ रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज तो यस yes, हम ये फाइनली आज से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले जो पीवाई लेकर आ रहा हूं मैं इस टॉपिक पर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो यस गाइस टाइम स्पीड डिस्टेंस ये आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्ट सेक्शन में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग सेक्शन अगर कोई है तो वो अरिथमेटिक है ठीक है और अरिथमेटिक में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशल पार्ट है वो ये चीज है गाइज ठीक है टाइम एंड वर्क भी है मिक्सचर एलिगेशन भी है लेकिन ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस जिसमें रेशो यूज होता है परसेंटेज का यूज होता ही है क्योंकि मैंने आपको कहा ही है रेशो परसेंट तो थ्रू आउट द कॉन्ट आपको यूज होते रहेंगे टाइम तो स्पीड डिस्टेंस पे कई सारे पीवाईक्यूज आए हैं बेस्ड ऑन जनरल कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड सर्कुलर ट्रैक ट्रेन एस्केलेटर एक्सेट्रा 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 और वो सब हम देखने वाले तो यस इनके स्लॉट वाइज हम सब देखने वाले लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक संविधानिक चेतावनी मतलब कोई चेतावनी नहीं है बस एक ये चीज रहेगी कि ये जिसका बेस क्लियर है फाउंडेशन क्लियर है उनके लिए बेस्ट है तो आपने अगर मेरा फाउंडेशन का लेक्चर नहीं देखा होगा बेस्ड ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट स्ट्रेन वो पहले देख लो वो देख लो और फिर इसको करो तो बल्ले बल्ले और अगर वो देख लिया होगा तो फिर इसको करो हर चीज चमकेगी गाइस गारंटी है और आप में से जो रिपीटर्स है जैसे कि हमने बीच में पोल लिया था तो रिपीटर्स भी जो है जिन्होंने ड्रॉप लिया है जो वर्क एक्सपीरियंस के बाद अब कैट देने वाले जिनका बेसिक क्लियर है उनके लिए तो भाई ये सीरीज बेस्ट है लेकिन जो फ्रेशर्स भी जो पहली बार भी दे रहे लेकिन फाउंडेशन क्लियर कर लिए है ठीक है उनके लिए भी सीरीज वाह वाव है वाव तो यस गाइस शुरुआत करते हैं तो इन सारे चीजों पर जो PYQ आ चुके हैं वो देखने वाले कौन कौन से के सबसे पहले टू थाउजेंड ट्वेंटी में ताजा-ताजा हुई है है और 2021, वो भी slot wise है ना तो ये रहा CAT 2022 का पहला क्वेश्चन में जो आया था ठीक है ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम टूवर्ड्स ईच अदर विथ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम स्टेशन एक्स स्टेशन वाई तो गाइज ये रहा स्टेशन एक्स ये रहा स्टेशन वाई ट्रेन ए और बी रिस्पेक्टिवली स्टेशन से निकली है टूवर्ड्स ईच अदर है ना मतलब स्टेशन एक्स से कौन निकली होगी जो पहली पहला नाम मेंशन है ए और वाई से निकली होगी बी वो भी टूवर्ड्स ए निकली इधर बी निकली इधर तो ये ए ट्रेन टूवर्ड्स वाई स्टेशन एक्स से निकल रही है बी ट्रेन टूवर्ड्स एक्स स्टेशन वाई से निकल रही है ट्रेन ए रीचे स्टेशन वाई तो देखो ट्रेन एक इधर जा रही है वाई ही जा रही है ना और वो वाई पहुंच चुकी है मात्र टेन मिनट्स में तो ट्रेन ए रीचेस स्टेशन वाई टाइम फॉर ट्रेन ए आपको दस मिनट दे दिया है गाईज. ये टाइम टोटल टाइम दिया है ट्रेन ए का टू रीच स्टेशन वाई ठीक है While, आगे देखो ट्रेन टेक्स मिनट टू रीच स्टेशन एक्स तो हड़बड़ी में स्टूडेंट पता है क्या कर लेते अच्छा सर बी का भी टाइम दे दिया टाइम फॉर बी इज नाइन मिनट ना 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 क्वेश्चन पूरा पढ़ो भाई क्वेश्चन पूरा पढ़ो यही गड़बड़ मैक्सिमम लोगों ने की थी मेजोरिटी ऑफपेरेंट्स ने की थी और गलती कर दी थी इस क्वेश्चन में स्लॉट वन वालों ने तो यस ट्रेन ए का तो आपको टोटल टाइम बोला है ट्रेन ए रीचेस कहां से निकली है स्टेशन एक्स से रीचेस स्टेशन वाई इन मिनट ट्रेन बी टेक्स मिनट टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए मतलब मीट होने के बाद वाला टाइम दिया है सिर्फ गाइज मुझे बताओ अगर ये दोनों ट्रेन टूवर्ड्स ईच अदर आ रही तो कहीं तो रास्ते में मिलेंगी चलो ये मान ले तो मैं मीटिंग पॉइंट ये जो लाइन ड्रॉ करी ये उनका क्या हुआ मीटिंग पॉइंट तो मुझे बताओ गाइस अब ट्रेन ए यहां तक आई होगी ट्रेन बी बराबर यहां तक आ गई होगी तो दोनों में एक दूसरे को मिल लिए है ना दोनों एक दूसरे को मिल लिए और जैसे मिले रुके नहीं नी नहीं किए बस क्रॉस किए और जैसे क्रॉस किए वहां से ट्रेन बी ने लिए है नाइन मिनट टू रीच स्टेशन एक्स तो गाइज आपको ए के बारे में टोटल टाइम बोला कि ए वाई पे पहुंची पूरे दस मिनट में लेकिन बी के बारे में क्या बोला है? एक बार वापिस समझो ट्रेन बी टेक्स नाइन मिनट टू तो रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए तो ट्रेन ए को मिलने के बाद उसने नौ मिनट लिए गाइज तो ये नौ मिनट सिर्फ इतना टाइम है नाइन मिनट सिर्फ कौन सा टाइम है गाइज नाइन मिनट है ये वाला टाइम ठीक है और जो ए का टाइम दिया है वो पूरा ये वाला टाइम दिया है टेन मिनट समझे? तो गाइज मुझे बताओ दोनों सेम टाइम पे निकली क्वेश्चन ने आपको क्लियरली बोला है दोनों सेम टाइम पे निकली है तो ऑन योर मार्क गेट सेट गो दोनों सेम टाइम पे निकले जब भी मिली होगी तो दोनों का टाइम ट्रेवल सेम हुआ होगा मैं नहीं बोल रहा हूँ डिस्टेंस सेम रहा होगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो स्पीड पे डिपेंड करता है लेकिन मान लो दोनों बारह बजे निकली है ऑन मार्क गेट सेट गो बारह बजे आ रही आ रही एक दूसरे की तरफ 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 तरप तरफ तीन बज गई तो गाइज मिले कब तीन बजे निकले कब थे बारह बजे यानी मिलने तक दोनों ने टाइम ट्रेवल सेम किया ना बारह से तीन बारह से तीन यानी थ्री आवर्स थ्री आर्स एग्जाम्पल दे रहा हूं तो अगर दोनों सेम टाइम पे निकली है टूवर्ड्स ईच अदर तो मिलने तक का टाइम फकोर्स जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा जिसकी स्पीड कम होगी उसने थोड़ा सा कम डिस्टेंस कवर किया होगा हम बात डिस्टेंस की नहीं हम बात टाइम की कर रहे हैं कि ऑन योर मार्क गेट सेट गो जैसे आप दोनों एक दूसरे को मिले टाइम ट्रेवल सेम था मतलब मैं अगर मान लू कि ट्रेन ए का यहां से यहां तक का टाइम टी था टी मिनट्स हर चीज मिनट में तो मिनट में ले लेता हूं तो सेम ट्रेन बी का भी यहां से यहां तक का टाइम क्या था टी मिनट्स और फिर मिलने के बाद बी ने कितना टाइम लिया ये तो क्वेश्चन ने खुलने में बोला है नाइन मिनट तो इतना तो समझ गया कि ट्रेन बी यहां से यहां तक यानी स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स तक कितने टाइम में पहुंची है टी प्लस नाइन में क्वेश्चन ने आपको ये पूछा है कि बताओ देन द टोटल टाइम इन मिनट्स मिनट्स में पूछा है आपको बाय ट्रेन बी तो बी का पूछा है टू ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन वाई टू एक्स तो वाई से एक्स पूछने में उसने कितना टाइम लिया तो गाइज वाई से एक्स पूछने में उसने लिया है टी प्लस नाइन तो इतना तो पक्का कि आंसर हो ही नहीं सकता नाइन से बड़ा ही आंसर होगा ना क्योंकि हम इसमें और टी ऐड कर रहे हैं तो नाइन से बड़ा ही होगा तो सिक्स तो आंसर नहीं है मतलब अगर मान लो चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन नाइन से छोटे होते तो हम आगे इसको सॉल्व भी नहीं कर रहे होते आंखें बंद करके उस पर टिक कर देते जो नाइन से बड़ा है लेकिन यहाँ पे तीन ऑप्शन नाइन से बड़े तो हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का मैंने शुरुआत कर दी है गाइज तो आपको मैंने क्या बताया कि दोनों अगर सेम टाइम पे निकले हैं तो दोनों जब भी भी मीटिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे टाइम ट्रैवल सेम होगा इसने टी मिनट ट्रैवल किया इसने टी मिनट अब यहां पे बेसिक चीजें क्लियर होना जरूरी है तब आपको ये बातें क्लिक होगी उसके बाद इसने नाइन मिनट लिए और इसने कितना लिया ये वाला जो फेज है ये ट्रेन ए ने कितने टाइम में कवर किया ऑफ कोर्स अगर पूरा टाइम टेन है उसमें से टी मिनट यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा टी माइनस टेन माइनस टी टेन माइनस टी क्योंकि टोटल टाइम हमें पता है टेन उसमें से अब ये जो टोटल जर्नी है ये दो टुकड़ों में बढ़ गई एक फ्रॉम स्टेशन एक्स टू मीटिंग मेथड आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो क्यों बताओ रीजन सिंपल है मुझे बताओ अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये पूरी जर्नी दो टुकड़ों में बढ़ गई है एक स्टेशन ए से लेकर मीटिंग पॉइंट तक और इतना जर्नी स्टेशन A, कितने टाइम में कवर कर रही है टी और वही पार्ट सॉरी ट्रेन ए ट्रेन A कितने में, कवर कर रही है? टी में और वही मतलब ट्रेन ए जितना जर्नी टी मिनट में कवर करती उतनी जर्नी ट्रेन बी क्या कर रही में. हम क्या कर रहे है तो ट्रेन बी के लिए इतना और सेम डिस्टेंस अगेन अगला डिस्टेंस कौन सा है ये वाला इतना पार्ट अगर ट्रेन ए टेन माइनस टी में कवर कर रही है तो ट्रेन भी उसके लिए कितना ले रही है टी तो बस गाइज ये हो गया टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए टाइम रिक्वायर्ड फॉर बी में यूनिटरी मेथड और जब भी जब ऐसी डायग्राम बनती है ना सिंपल फंडा होता है यूनिटरी मेथड का यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और वो कैसे आया मैंने आपको बताया भी हमने सिंपल क्या किया पूरे जर्नी को दो टुकड़ों में कवर किया तो एक टुकड़ा इतना डिस्टेंस का वो जो डिस्टेंस है ट्रेन ए टी में कर रही है उतना ही डिस्टेंस ट्रेन भी नाइन में कर रही है मिनट में अगेन दूसरा दूसरा टुकड़ा जर्नी इतना जर्नी ट्रेन ए टेन माइनस टी में कर रही है तो ट्रेन भी टी मिनट में कर रही है बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे केस में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो टी स्क् नाइन इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा नाइनटी माइनस नाइनटी नाइन इंटू टेन नाइनटी

So yes 90 90 तो यस so और फिफ्टीन इंटू माइनस सिक्स माइनस नाइनटी तो गाइज ये तो हमें फैक्टर मिले इससे हमें टी की वैल्यू क्या मिलती है माइनस फिफ्टीन और प्लस सिक्स जो भी ये फैक्टर मिले हैं अपोजिट देखो यहाँ पे अगर फैक्टर वन है टी स्क्ट वन है तो सीधा जो भी फैक्टर मिले उसका साइन अपोजिट कर लो वो होते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो होती है वैल्यूज ऑफ ठीक है तो देखो यहाँ पे का है तो यहाँ पे सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक गाइज तो जो फिफ्टीन और माइनस सिक्स जो इस मल्टीप्लीकेशन एडिशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसका साइन बदल दो टी माइनस फिफ्टीन जो कभी नहीं हो सकता टाइम निगेटिव कभी नहीं हो सकता दूसरा टी क्या मिल रहा है इसका अपोजिट साइन प्लस सिक्स यस yes. तो ये हो सकता है टी की वैल्यू हमें मिल गई सिक्स तो टोटल टाइम बी ने कितना लिया इतना फेज छह मिनट इतना फेज नाइन सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन इज आंसर फिफ्टीन इज दें था, था गाइसॉट वन कैट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का क्वेश्चन सिंपलेस्ट क्वेश्चन कम ऑन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी देखो यह है कैट ट्वेंटी टू का ही स्लॉट टू का क्वेश्चन हलवा देखना कैसे टू शिप्स मिट मिड ओशन दो शिप मिड ओशन में यहां मिली ये हो गया उनका मीटिंग पॉइंट जिसको मैं ए बोल देता हूं एक शिप दो शिप एक दूसरे को बिल्कुल मिल गई है तो दिस इज मीटिंग पॉइंट था ए मतलब यहां से एक शिप साउथ की तरफ दूसरी शिप वेस्ट की तरफ नाउ बोट ट्रैवलिंग एट द कॉन्सन स्पीड ठीक है टू आवर्स लेटर दो घंटे के बाद देखो दो घंटे में चलते 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 साउथ की तरफ यहां तक आई इसको मैं एस वन नाम दे देता हूँ शिप वन और ये दो घंटे में उसी दो घंटे में चलते चलते यहां तक आई शिप टू एस टू नाउ टू आवर्स लेटर दे आर सिक्सटी किलोमीटर अपार्ट तो इनके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन ने आपको सिक्सटी किलोमीटर बोल दिया गया इस दो घंटे के बाद ये अफकोर्स यहाँ पे ये यहाँ पे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है फासला सिक्सटी किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ वन ऑफ द शिप इज सिक्स किलोमीटर पर आवर मोर देन अदर किसी एक शिप का स्पीड दूसरे के कंपैरिजन में छह से ज्यादा है या सिक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड नहीं दी है ये रिलेशन दिया है दो स्पीड का दोनों शिप के स्पीड का कि एक की स्पीड जितनी भी होगी उससे ज्यादा छह से ज्यादा दूसरे की स्पीड है तो हम किसको कितना ले लें वो हमारे ऊपर डिपेंड है सो द शिप ऑफ वन ऑफ द स्पीड ऑफ वन ऑफ द शिप इज सिक्स किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्लोअर शिप तो गाइज मान लो मैं स्लोअर शिप इसको ले लू Lower ship मैंने किसको लिया एस वन इज वॉट स्लोअर लोअर शिप इज एस वन एस टू हो गया ये लिखने की जरूरत नहीं है आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूं फास्टर शिप तो गाइज इसके स्पीड को मैं एज्यूम कर लेता हूं एक्स तो मुझे बताओ फास्टर की डेफिनेटली कितनी ज्यादा है छह से ज्यादा यानी इसकी कितनी हो जाएगी एक्स प्लस सिक्स ये मैंने क्या एज्यूम किया है स्पीड यह मैंने स्पीड एज्यूम किया है और गाइज ये इतना डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो कितने घंटे में हुआ है शिप वन की स्पीड कितनी है शिप वन जिसको मैंने स्लोअर शिप माना है जिसकी स्पीड हमें निकालने निकालने क्वेश्चन ने बोला है, बोला है है स्पीड ऑफ द स्लोअर शिप यानी कि निकालना आपको उसने दो घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया तो गाइस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इन टू टाइम स्पीड कितना है स्पीड है एक्स टाइम कितना है दो घंटा यानी कितना हो जाएगा टू एक्स ये देखो यार ये अगर डिस्टेंस है तो एज्यूम कर लिया है लोअर वाली का एक्स तो ज्यादा वाली का क्या हो जाएगा छह से ज्यादा सिक्स और टाइम तो आपको दो घंटे का दिया ही क्वेश्चन ने कि दो घंटे के बाद वाली ये पोजीशन है तो इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस टू इन स्पीड इन टाइम एक्स प्लस सिक्स और गाइज ये क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व कर लो इसको आप चाहे तो अब इसको गाइस यूजिंग ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हो पैथेगोरस ट्रिपलेट से भी सॉल्व कर सकते हो आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में एक बड़ी फेमस ट्रिपलेट है 3, 4, और 5 की सबसे लॉन्गेस्ट साइड लेकिन यहाँ पे और हम आपको पता है कि ये जो होती है उसकी इक्वल प्रपोर्शन में जो भी ट्राइंगल बनता है राइट right एंगल वो भी सेम पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है मतलब थ्री फोर फाइव तो सेटिस्फाई कर रही है अगर मैं इनका टू टाइम्स ले लू तीनों साइड का मतलब ये हो गया सिक्स थ्री का टू टाइम्स फोर का टू टाइम्स एट फाइव का टू टाइम्स टेन ये भी पाइथागोरस थ्योरम करता है अगर मैं इसका थ्री टाइम्स लू तो भी होता है तो गाइज देखते देखते ये आपको कितना टाइम दिख रहा है ट्वेल्व टाइम्स तो अगर ये ट्वेल्व टाइम्स दिख रहा है तो इसका भी ट्वेल्व टाइम्स क्या हो गया इसका ट्वेल्व टाइम थर्टी सिक्स और इसका ट्वेल्व टाइम कितना हो गया फोर uh, का ट्वेल्व टाइम्स फोर्टी एट आप इस लॉजिक से भी जा सकते हो और चेक करो कि यहां जो एक सारा और यहां जो एक सारा है सेम आ रहा है अगर सेम आ रहा है तो हम जीत गए देखो यहाँ एक्स कितना आ रहा है एटीन और यहाँ भी देख लो ये टू इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ट्वेंटी फोर और सिक्स माइनस हो जाएगा एटीन दोनों में एक्स की वैल्यू सेम आ रही है मतलब हमने जो ये सिक्सटी ये थर्टी सिक्स और ये फोर्टी एट लिया बिल्कुल सही है और वो कैसे लिया हमने यूजिंग दिस ट्रिपलेट थ्री फोर फाइव से बनने वाला ट्रैंगल हमेशा क्या होता है राइट एंगल और इनके जो इक्वल प्रपोर्शन में हम साइड लेते हैं वो भी राइट एंगल होता है तो ये राइट एंगल ट्र बन गया था ये 60 मतलब बड़ी साइड हाइपोटेनियस का कितना 12 टाइम्स तो इसका 12 टाइम 36 इसका 12 टाइम 48 और यहाँ एक्स की वैल्यू निकली 18 और इसको सॉल्व करने के बाद भी एक्स की वैल्यू निकली 18 देखो दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब हमने जो सोचा वो बिल्कुल सही है एक्स की वैल्यू एटीन आई हाँ एक जगह एटीन मिलता दूसरे जगह कुछ और मिलता तो हमारा आजमशन गलत होता लेकिन मैच कर गया तो एक्स की वैल्यू एटीन और पूछा भी क्या था यही तो पूछा था गाइस तो ये उसका आंसर था अगेन होल्ड ऑन अगर आपको लग रहा है सर ट्रिपलेट का कंसेप्ट अगेन ज्योमेट्री ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा नहीं तो फाउंडेशन में आप चालू हो, हो, ही गया है है ना तो आप पढ़ सकते हो वो जब तक नहीं पढ़ा होगा आप यहाँ पे सिंपल पैथागोरस थेरम तो स्कूल से पढ़ रहे हो ना यार वो तो आपको पता ही होगा तो पैथागोरस थेरम क्या बोलता है कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड है सिक्सटी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर अब इस पूरे क्वेश्चन को आप विथ ऑप्शन सॉल्व कर सकते हो इस पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले तो चाहे तो ये देखो टू स्क्वायर फोर टू स्क्वायर फोर तो आप पूरे इक्वेशन को फोर से मतलब देख लो ये कितना हो गया थर्टी सिक्स हंड्रेड टू स्क्वायर फोर x स्क्वायर टू स्क्वायर फोर और x प्लस सिक्स का होल स्क्वायर अब चाहे तो पूरे इक्वेशन को फोर 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 से डिवाइड कर लो तो ये कितना हो गया नाइन हंड्रेड स्क्स प्लस को एक्सपांड कर सकते हो ए प्लस बी बनेगा उससे सॉल्व करो या फिर विथ ऑप्शन तो जाओ आपको क्या बोला है स्पीड ऑफ शिप जो हमने एक्स माना है तो ऑप्शन सारे आपको चिल्ला चिल्ला कर दावा कर रहे हैं कि वो एक्स है जो निकालने बोला ऑप्शन सारे वही दावा करते हैं ना तो उसमें से जो भी ऑप्शन की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो जीत गई और वो डेफिनेटली एटीन कर रही है आप ट्वेंटी डाल के देखो ट्वेंटी फोर डाल के देखो जगह मैच नहीं हो रहा है एक्स के जगह की वैल्यू जो पूछा है उसके जगह अगर लेकिन एटीन डालो तो देख लो नाइन हंड्रेड एटीन स्क्वायर थ्री ट्वेंटी फोर एटीन प्लस सिक्स कितना ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर का स्क्वायर फाइव सेवेंटी सिक्स देखो दोनों का एडिशन कितना है नाइन हंड्रेड और इधर भी नाइन हंड्रेड मैच विद ऑप्शन बी ट का तो, मतलब नहीं है उनके लिए बुरी बात क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपने देखा स्लॉट वन में सिर्फ एक क्वेश्चन था का. में भी सिर्फ एक था दोनों मैंने करा दिए ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक ही कराया है एक ही आया था वो मैंने आपको करा दिया ठीक है और स्लॉट वन में एक ही क्वेश्चन था स्लॉट टू में एक था जो आपने देख लिया स्लॉट थ्री में गाइज ये भी था एक दो जो कि टीटा बेस था और तीन तीन क्वेश्चन थे स्लॉट थ्री में गाइज ये टॉपिक को हल्के में ना लो ये आता ही है और जब आता है तो मिनिमम वन मैक्सिमम तो फिर आपको पता है कितना भी हो सकता है चलो तो करते शुरुआत प्लॉट थ्री कैट ट्वेंटी टू के इस क्वेश्चन की Two cars travel from different location at the... अरे यार इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ने लिटरली दिमाग खपा दिया था सिर खुजाने लगे थे कि यार कैसे करे क्या करे हलवा क्वेश्चन था मतलब आप देखो गाइज किस तरह से कैट आपके माइंडसेट के साथ खेलता है क्वेश्चन को हलवा मतलब इस लेवल का कि जिसको हम एलओडी वन भी ना बोले एलओडी वन भी बोलने शर्म इस लेवल का रखने के बाद भी क्वेश्चन ऐसा बना दिया उसने कि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो गए ये है ब्यूटी ऑफ कैट जिसको समझना है आपको तो कैट का बवाल मत रखो दिमाग में कि कैट ये है कैट वो है कैट बहुत अच्छी एग्जाम है और वो लिटरली आपके अंदर का एनालिटिकल स्किल को जज करने वाली परफेक्ट एग्जाम है क्योंकि यार ऐसे क्वेश्चन उसने बनाए और क्वेश्चन अंदर से खोखला था अगर सही लैंग्वेज को पकड़ो तो गाइज देखो टू कार्स कार्रेवल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एट अ अंस्टेंट स्पीड दो कार एक दूसरे की तरफ आ रही है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से एक कार कहीं और है दूसरी कार कहीं और है टू मीट ईच अदर दोनों को एक दूसरे को क्या करना है मिलना है आफ्टर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम और same, mark, go, दोनों ने मान लो सेम ऑन ऑनियोम गेट सेट गो दोनों कहीं तो और अलग अलग लोकेशन पे है एक यहां पे, पे है एक पे है ऑन ऑनियोम गेट सेट गो दोनों एक दूसरे की तरफ आने सेम टाइम पे शुरू हुई है सेम टाइम दे टेक 1.5 पॉइंट फाइव आर इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर एंड 10.5 पॉइंट फाइव आर इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन मतलब गाइज क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के आपको समझ गया होगा यहाँ कौन सा कंसेप्ट पिक्चर में आएगा रिलेटिव स्पीड बराबर तो रिलेटिव स्पीड पिक्चर में आएगा अगर दोनों एक दूसरे के तरफ आ रही है तो डेढ़ घंटे में मिलेगी एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो फटाफट मिलेगी ना लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो मिलने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि एक कार आगे जा रही है दूसरी उसके पीछे पीछे आ रही है है ना बट पहली तब तक और आगे जा चुकी है तो इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा तो क्वेश्चन ने यही बोला है फर्स्ट कार फर्स्ट कंडीशन अगर ईच अदर है तो डेढ़ घंटा सेकंड कंडीशन अगर सेम डायरेक्शन में है सेम डायरेक्शन में तो दस घंटे टेन पॉइंट फाइव सॉरी टेन पॉइंट फाइव आवर्स ठीक है बट दोनों केस में रिलेटिव स्पीड आएगी अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है एडिशन दोनों का ठीक है और सेम डायरेक्शन में माइनस नाउ आगे देखो स्पीड ऑफ स्लोअर कार इज किलोमीटर पर आवर तो सबसे ना खोखला है अंदर से क्वेश्चन उसने स्पीड ऑफ कार दे दी है स्लोअर की स्लोअर की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस भी किसका किसका पूछा है स्लोअर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्लोअर कार यह आपको पूछा है ठीक है so, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर बाय द स्लोअर कार व्हेन इट मीट्स ईच अदर जब दोनों एक दूसरे को मिलेगी लेकिन दो कंडीशन है ना मिलने की एक तो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रही है तभी भी मिल रही है और सेम डायरेक्शन में जा रही है तभी भी मिल रही है जो फास्टर वाली है स्लोअर वाले को कभी ना कभी तो मिलेगी ना सेम डायरेक्शन में फास्टर वाली स्लोअर वाली को कभी ना कभी ओवरटेक करेगी तो दोनों में से कौन से कंडीशन का क्वेश्चन है आखिरी में क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्लोअर कार व्हेन इट मीट्स ईच अदर व्हाइल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर

तो आपको मालूम है कि टाइम जो आपको दिया है डेढ़ घंटा क्योंकि टूअर्ड सी मतलब ये एक्सेस इंफॉर्मेशन है साढ़े दस घंटा जब सेम डायरेक्शन में जा रही है उसका कोई मतलब ही नहीं था आपको क्लियरली बोला है डेढ़ घंटा लगता है जब एक दूसरे की तरफ आती है मतलब ये कभी तो यहां से निकली होगी और सेम टाइम पे क्वेश्चन ने क्या बोला है सेम टाइम पे सेम टाइम पे दूसरी कार भी निकल रही है तो अगर ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रही है दोनों सेम टाइम पे निकली है बिल्कुल इस क्वेश्चन से पहले वाला जो क्वेश्चन के, के बाद वो मिल रही है जब भी वो अलग अलग पोजीशन से टुवर्ड्स ईच अदर आ रही है तो बराबर डेढ़ घंटे के बाद मिल रही है इसका मतलब दोनों जैसे स्टार्ट हुए ये भी डेढ़ घंटा चली होगी जो स्लोअर है और फास्टर वाली भी डेढ़ घंटा चली होगी है ना तब जाके एक दूसरे को मिली होगी और गाइस इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको टाइम भी दे दिया यहां से यहां तक आने को डेढ़ घंटा इसने लिया है 1.5 आर और इसने भी डेढ़ घंटा लिया है बराबर डेढ़ घंटे के बाद दोनों मिल लिए बट हमें क्या बोला है कि जब भी भी वो मिलेंगे फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्लोअर कार तो डिस्टेंस हमें पूछा है स्लोअर कार की स्पीड हमें दे दी है और यहां से यहां तक

खोखला क्वेश्चन था गाइज इसको उसने टफ कहा कि पता है जानबूझकर दो कंडीशन देकर ये कंडीशन की जरूरत नहीं थी यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाली उसने दिया स्टूडेंट उसमें सोचने लगे स्टूडेंट इक्वेशन बनाने लगे कंफ्यूज होने लगे और फाइनली क्वेश्चन को छोड़ दिया इतना टाइम वेस्ट करके या फिर कोई तो गलत टिक कर दिया और किसी किसी ने बाद में क्लिक करके सही आंसर भी लाया लेकिन उतना टाइम वेस्ट करके उस कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं था इस पूरे क्वेश्चन को अगर सबसे परफेक्टली देखा जाए दो कार एक दूसरे की तरफ आ रही है दोनों सेम टाइम पे निकल रही है अगर अपोजिट टूवर्ड्स ईच अदर आ रही है तो डेढ़ घंटा ले रही है सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दस घंटा साढ़े दस घंटा बट फाइनली बोल दिया कि स्लोअर कार की स्पीड सिक्सटी है और टुअर्ड्स ईच अदर में जब वो डेढ़ घंटा लेती है मिलने के लिए तब तक स्लोअर कार ने कितना डिस्टेंस तो स्लोअर कार का स्पीड सिक्सटी मिलने तक दोनों ने डेढ़ घंटा यानी लोअर वाली ने भी डेढ़ घंटा ट्रैवल किया होगा और वहां तक का ही डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू बस इतना क्वेश्चन था बोलो मुझे यार ये कैट लेवल का है अफकोर्स है अगर ये पढ़कर कंफ्यूज हो तो और ये देखो तो बिल्कुल नहीं और कैट में आ चुका है तो यार मैं बोल रहा हूं ना सही ढंग से प्रिपरेशन करो अपनी थॉट प्रोसेस को जिंदा रखो एग्जाम में प्रेशर के तले दबकर या नर्वस होकर पैनिक होकर थॉट प्रोसेस को मत मारो थॉट प्रोसेस अगर थ्रू आउट वो पीरियड जिंदा है तो आप कैट हमेशा फोड़ोगे कम ऑनगाइ नेक्स्ट क्वेश्चन मूड़ी टेक्स थर्टी सेकेंड टू फिनिश राइडिंग एन एस्केलेटर तो यार ये एस्केलेटर वाले क्वेश्चन है ठीक है मस्ट क्वेश्चन है देखो एस्केलेटर वाले क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है स्पीड टाइम डिस्टेंस का रिलेशन तो मूडी टेक्स थर्टी सेकंड टू फिनिश राइडिंग एन एस्केलेटर एस्केलेटर मतलब समझते हो ना आप मूवी देखने जाते होंगे मल्टीप्लेक्स में मॉल्स जाते होंगे बड़े बड़े एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा एस्केलेटर होता है कि बस आप खड़े हो जाओ फिर वो खुद ब खुद आपको आगे लेकर जाती है ऊपर लेकर जाती है सीढ़ी वो जो स्टेयर होती है स्टेयर लेके जाती है तो वही है ये एस्केलेटर वही है तो गाइज जब मूडी उस एस्केलेटर पे 30 सेकंड लेता है टू फिनिश द राइडिंग एन एस्केलेटर इफ यू वॉक ऑन इट्स एट द नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन मतलब ऑफ ऑफकोर्स एक्सकेलेटर उधर ऐसे ऊपर चढ़ रहा है तो हम भी उसके साथ ऊपर ही चढ़ रहे हैं यानी देखो आपके पास चॉइस है आप एस्केलेटर पे बस खड़े हो जाओ एकदम आलसी सुस्त की तरह वो आपको ऊपर लेके जाएगा या फिर आप भी उसके साथ अगर आपको अर्जेंसी जल्दी पहुंचना है तो आप भी उसके साथ चढ़ने लगते हो यानी फटाफट वो डिस्टेंस कवर हो जाए तो गाइज ये मूडी इस बार क्या किया वो अपने नॉर्मल स्पीड से चढ़ रहा था उसी डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में चढ़ रहा है यहाँ पे 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 सेम डायरेक्शन नहीं आता है यहाँ पे ये मत बोलना कि सर ये तो सेम डायरेक्शन हुआ तो माइनस होनी चाहिए स्पीड गाइज ये माइनस और प्लस स्लिप कब आती है जब दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना यहाँ क्रॉसिंग वाली चीज नहीं है बोट जिसने पढ़ा है बोट्स एंड स्ट्रीम

बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है बोट चलती है पानी पे लेकिन पानी को भी तो अपनी खुद की स्पीड होती है है ना सेम उसी तरह मूडी चल रहा है एस्केलेटर पर लेकिन एस्केलेटर को भी तो अपनी खुद की स्पीड है तो बोट एंड स्ट्रीम में याद है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम कब होता है जब हमारी बोट इधर चल रही है और पानी इधर अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में हम वहां पे क्या करते हैं अपस्ट्रीम बोलते हैं माइनस करते हैं एक दूसरे की स्पीड को क्योंकि बोट तो आगे आना चाहती है पानी उसको अपोज कर रहा है इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या होती है रिजल्टेंट स्पीड दोनों का माइनस एस बी माइनस एस डब्ल्यू और डाउनस्ट्रीम में क्या होती है बोट भी इधर जा रही है और पानी भी उसको उसी डायरेक्शन में ढकेल रहा है इसलिए वो फटाफट जा रही है तो अब हम रिजल्टेंट स्पीड कैसे निकालते हैं दोनों का एडिशन से तो गाइज यहाँ बोट्स वाला कंसेप्ट काम आता है एक्सकेलेटर में वो तो चल रहा है फटाफट डिस्टेंस करने के लिए मूड़ी भी उसके ऊपर चढ़ रहा है सेम डायरेक्शन में अगर उल्टे डायरेक्शन में चढ़ता तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगता लेकिन सेम डायरेक्शन में और इसीलिए उसने थर्टी सेकंड लिए जब वो अपने नॉर्मल स्पीड से जा रहा था गाइज मैं एज्यूम कर लेता हूं मूडी ने जो टोटल स्टेप्स रोल आउट किए टोटल स्टेप्स जो चला वो थ्री एक्स समझ गया होगा आपको मैं थ्री के मल्टीपल में क्यों ले रहा हूं क्योंकि यहां थर्टी है और एस्केलेटर ने जो टोटल स्टेप्स रोल आउट की वो थ्री वाई इन थर्टी सेकेंड्स में ये मैं फर्स्ट कंडीशन से खेल रहा हूँ दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन कि मूडी ने इस तीस सेकंड में क्वेश्चन ने क्या बोला मूडी अपने एस्केलेटर पे जैसे चढ़ा अपने नॉर्मल स्पीड से सेम डायरेक्शन में चढ़ना लगा एस्केलेटर भी ऊपर की तरफ जा रहा था मान लो तो वो भी ऊपर की तरफ जाने लगा तो थर्टी सेकंड में उसने पूरा डिस्टेंस कवर किया यानी थर्टी सेकंड में उसने मान लो थ्री एक्स स्टेप्स चढ़ी और एस्केलेटर ने खुद ने अपने दम से उसको थ्री वाई चढ़ाया मतलब गाइज ये थ्री एक्स क्या हुई स्टेप्स रोल आउट बाय मूडी इन थर्टी सेकंड एंड थ्री वाई क्या हुआ स्टेप्स रोल्ड आउट बाय एस्केलेटर इन थर्टी इस पूरे थर्टी सेकंड की जो जर्नी है उस जर्नी में मूडी थ्री पे चढ़ी और एक्सकेलेटर ने थ्री वाई स्टेप उसको अपने दम पे चढ़ाया यानी टोटल स्टेप्स कितनी हुई मूडी का थ्री एक्स प्लस एक्केलेटर का थ्री वाई ये हुआ टोटल स्टेप्स समझ रहे हो थर्टी सेकंड में सिर्फ वो खड़ा नहीं था अगर हाँ सिर्फ वो खड़ा रहता तो पूरा उसको कौन चढ़ा था मूडी लेकिन वो भी चढ़ रहा था मैंने उसकी स्टेप्स मैंने 3x की, कर इसका multiple, और ने भी उसको तो चढ़ाया ना उसकी हो तो टोटल टोटल आप टेक्स अगली कंडीशन देखो टेक्स ट्वेंटी सेकेंड टू फिनिश द राइडिंग एक्स द एस्केलेटर सेम एस्केलेटर वो जो तीस सेकंड में कर रहा था बीस सेकंड में कर रहा है कैसे एटवाइस ऑफ इज नॉर्मल स्पीड गाइज मुझे बताओ कंडीशन टू एसकेलेटर के स्पीड में तो कोई भी चेंज क्वेश्चन की स्पीड की तो वही है तो मुझे बताओ एसकेलेटर जो थर्टी सेकंड में थ्री वाई करता है वो ट्वेंटी सेकंड की बात हो रही है अब अब बात कितनी हो रही है ट्वेंटी सेकंड की तो ट्वेंटी सेकंड में कितना करेगा टू वाय इसलिए मैंने थ्री का मल्टीपल दिया यानी वो में चला है। और जो भी स्पीड कम ज्यादा हुई है मुड़ी की हुई है एसकेलेटर की स्पीड कॉन्स्टेंट है तो अगर थर्टी सेकंड में थ्री वाई। तो ट्वेंटी सेकंड में टू स्टेप्स उसने चढ़ी होगी स्टेप्स चढ़ी होगी मुड़ी का मुझे बताओ अगेन थर्टी सेकंड में थ्री तो

है ना एकदम सुस्त मूड में है और वो अब एस्केलेटर पे खड़ा है सिर्फ खड़ा है स्टैंड स्टिल चल नहीं रहा है देन टाइम इन सेकंड नीडेड टू फिनिश द राइडिंग एस्केलेटर तो बताओ अब उसको कितना टाइम लगेगा जब वो खुद चढ़ रहा था नॉर्मल स्पीड से तब तीस सेकंड लगे उसी एस्केलेटर पे जब उसने स्पीड डबल कर दी तो 20 सेकंड लगे अब इस बार वो बस खड़ा है तो बताओ कितना टाइम तो गाइस उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है थ्री वाई और अगर आपको पता है इस बार सिर्फ एस्केलेटर चढ़ रहा है तो आपको पता है तीस सेकंड में ये थ्री वाई चढ़ता है तो सिक्स वाई चढ़ने के लिए टोटल डिस्टेंस सिक्स वाई करना है ना तो तीस सेकंड में एक्सकेलेटर थ्री वाई करता है तो सिक्स वाई करने के लिए कितना लेगा सेकंड ये था आपका टीटा बेस्ड क्वेश्चन टाइप इन द एंसर जहां पे आपको बस सिक्सटी टाइप करना था दैट्स इट सेकंड्स इन तो उसने वैसे बोली दिया है मतलब आपको सिर्फ सिक्सटी टाइप करना था बाई डिफॉल्ट आप जो टाइप कर रहे हो सेकंड में इमेजिन होगा तो गाइज़ टोटल स्टेप्स तो 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 बस स्टैंडिंग चल रहा है सिर्फ एस्केलेटर तो एस्केलेटर तीस सेकंड में थ्री वाई स्टेप चढ़ता है तो सिक्स वाई स्टेप चढ़ने के लिए कितना लेगा सेकंड चमका तो हलवा क्वेश्चन था एस्केलेटर के क्वेश्चन को क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन यानी ट्रेन वाले क्वेश्चन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करो सेम डायरेक्शन में माइनस उससे कंपेयर मत करना इसके आप कंपेयर करना बोट्स एंड स्ट्रीम वाले टॉपिक से अगर नहीं देखा है मिस किया है तो फाउंडेशन बैच में मेरा वीडियो देख लोगा इस प्ले मिल जाएगी चमका तो ये था स्लॉट थ्री का सेकेंड वाला क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आए थे उसमें से ये था टीटा बेस्ट एक हमने इसके पहले जस्ट किया जो कि हलवा था ये दूसरा था और ये तीसरा क्वेश्चन चलो टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ पोर्ट अलोंग हाँ अब यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ साथ ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट भी यूज हुआ था इस क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट भी यूज हुआ देखो टू शिप्स आर अप्रोचिंग द पोर्ट पोर्ट पे दो शिप्स जा रही है ठीक है अलोंग द स्ट्रेट रूट एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ठीक है मतलब शिप वन के लिए भी स्ट्रेट रूट है पोर्ट जाने के लिए और शिप टू के लिए भी स्ट्रेट रूट है कॉन्स्टेंट स्पीड दोनों की इनिशियली ये लाइन से पढ़ो टू शिप्स आर टू शिप्स एंड द पोर्ट फॉर्म एन इक्विलेट्रल ट्रायंगल चलो गाइस मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये शिप वन है ये शिप टू है और ये पोर्ट है इनिशियल हा ये इनिशियल कंडीशन है दोनों शिप कांस्टेंट स्पीड से किसके तरफ आने निकली पोर्ट की तरफ तो इनिशियली उसने क्या फॉर्म किया triangle, ये बना सारी ये जो डिस्टेंस है ट्रायंगल वो क्या होंगे भी दे दिया मतलब आपको ये भी दे दिया है कि हर एक लेंथ कितनी है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इनिशियल कंडीशन अब देखो वेन द स्लोअर शिप ट्रेवल एट किलोमीटर अब इसमें से किसी को स्लोअर मान लो किसी को Faster, तो S1 तो फास्टर तो मैंने एस वन को स्लोअर माना तो एस टू आ गई फास्टर तो वेन द स्लोअर शिप ट्रैवल एट किलोमीटर तो देखो यहाँ थी दोनों को आना किधर था दोनों का मंजिल क्या थी पोर्ट की तरफ स्टार्टिंग में बोला क्वेश्चन है कि दोनों शिप्स पोर्ट की तरफ आने के लिए निकली तो जैसे इसने एट किलोमीटर कवर किया यानी इतना डिस्टेंस अगर ये पूरा ट्वेंटी है तो इतने को मैं एट ले लेता हूँ जैसे उसने एट कवर किया द फॉर्म वेन द स्लोअर शिप ट्रेवल एट किलोमीटर द ट्रैंगल फॉर्म बाय द न्यू पोजिशन ऑफकोर्स गाइज स्लोअर अगर एट कर रही है तो फास्टर थोड़ा ज्यादा करेगी सिंपल सी बात ही, इसको हमने स्लोअर बोला इसको फास्टर बोला दोनों की स्पीड अपनी अपनी फिक्स है

द ट्राइंगल फॉर्म बाय द न्यू पोजिशन ऑफ टू शिप्स एंड पोर्ट पोर्ट तो यही रहेगा पोर्ट थोड़ी हिल रहा है तो शिप वन छोटी छोटी हल्की हल्की आगे आठ किलोमीटर आगे आ गई तो शिप टू ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और अब जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है दोनों के तीनों के बीच में टू शिप्स एंड पोर्ट बिकम राइट एंगल ट्राइंगल तो गाइज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा है क्वेश्चन इस वाले ट्राइंगल की ये शिप वन ये शिप टू न्यू पोजिशन और पोर्ट तो वही है तो ये जो ट्रायंगल बना ये अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया डेफिनेटली 90 मुझे बताओ पहले क्या था इक्विलेटल ट्रायंगल इक्विलेटल ट्रायंगल की दोनों शिप आगे आ चुकी है ये यहाँ पे ये यहाँ पे और अब ये जो नया ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें से ये तो 60 है ना ये एंगल रत्ती भर भी नहीं बदला और इन दोनों में अब आपको देख के समझ रहा होगा कि राइट एंगल कौन बना रहा होगा यही बना रहा है है ना ये ये 60 से तो उल्टा कम हो गया ना 60 था तो ऐसा था अब उल्टा कम हो गया है, तो ये तो डेफिनेटली 60 नहीं होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल ये हुआ इसका मतलब ये हाइपोटेनियस हुई और ये लेंथ कितनी हो गई गाइज आपको पता है तो टोटल ट्वेंटी है ये एट है तो ये कितनी हो जाएगी सिक्सटीन ये सिक्सटीन और ये क्या होगा अगर ये नाइनटी सिक्सटी है, है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है जोमेट्री ज्यादा यूज हो रहा है टाइम्स स्पीड डिस्टेंस से ज्यादा तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कितनी है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है भाई तो अगर आपको तीनों एंगल का टोटल 180 चाहिए और एक आपको पता है 60, एक 90, तो तीसरा पक्का क्या होगा 30? तीनों एंगल का टोटल शुड भी 180 डिग्री तो इतना अगर 8 है या 16 है तो मुझे बताओ गाइज अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा छोटू सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ साइन थर्टी का इस वाले ंगल में मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ साइन थर्टी साइन का फॉर्मूला क्या होता है थर्टी मतलब ले 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 तो का अपोजिट क्या है एक्स अपॉन हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस हमें पता है हाइपोटेनियस कितना है सिक्सटीन ये ट्वेंटी फोर में से एट क्योंकि ये तो क्लियर बोला है कि शिप वन कितना आगे आई है सिर्फ आठ तो ये सोलह बचा हुआ गाइज साइन थर्टी कितना होता है अच्छा भी जानता है 16 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्स तो हो गया यार एक्स आपको मिला एट तो एक्स अगर आपको एट मिला है तो ये कितना हुआ 16. इसका मतलब जब स्लोअर शिप आठ किलोमीटर चढ़ी थी तो बड़ी कितनी चली 16. यानी डिस्टेंस का रेशियो क्या हुआ दोनों में वन इज टू टू एट इज टू सिक्सटीन क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि स्लोअर शिप ने जब आठ किलोमीटर कवर किए तो शिप ने कितना किया हमें पहले नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया क्वेश्चन ने हिंट दे दी कि ये जो ट्रायंगल था वो राइट एंगल में कन्वर्ट हो गया तो राइट एंगल में ये 60 ही रहा क्योंकि ट्रायंगल का हर एंगल 60 होता है ये 60 रहा इन दोनों में ये 90 तो ये 30 हो गया साइन 30 का फॉर्मुला यूज किया ये हमें एक मिला अपोजिट साइड तो ये अगर एट है टोटल ट्वेंटी है तो ये सिक्सटीन है, तो है इससे क्या क्लियर हुआ कि जब स्लोवर शिप आठ किलोमीटर चली तो बड़ी शिप कितनी चली सोलह किलोमीटर तो रिलेशन क्या बन गया डिस्टेंस का वन इज टू टू तो अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है आपको वेन द फास्टर शिप रिचेज द पोर्ट अफकोर्स पहले कौन पहुंचेगा दोनों साथ में निकली है, तो फास्टर ही पहले पहुंचेगी क्योंकि दोनों में डिस्टेंस सेम ही था चौबीस चौबीस अब आठ ही रहा क्योंकि ऑलरेडी सोलह आ चुकी है तो जब फास्टर शिप रिचेज द पोर, पोर्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द अदर शिप एंड द पोर्ट तो जैसे फास्टर शिप पोर्ट पे पहुंच जाएगी तो अदर शिप यानी स्लोअर और पोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा गाइस मुझे बताओ दोनों का रिलेशन डिस्टेंस का क्या निकला है वन इजू टू मतलब जितना स्लोअर करती है उससे डबल फास्टर करता है या फिर जितना फास्टर करता है उससे हाफ स्लोअर करती है तो गाइज ये डिस्टेंस अगर एट है सिंपल है अगर फास्टर यहां पे पहुंच रहा है सोलह ऑलरेडी कवर हो चुके हैं आठ ही कवर करना है तो अगर ये आठ कवर करेगी तब तक ये कितना कवर कर लेगी चार मुझे बताओ ऑलरेडी आठ आ चुकी थी वो और चार आगे ले लो मतलब आठ और चार ट्वेल्व चौबीस में से ट्वेल्व गया अभी भी दोनों के बीच में कितना फासला है गाइस अभी भी दोनों के बीच में ट्वेल्व किलोमीटर का फासला है ऑप्शन बी ऑप्शन बी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री टाइम स्पीड डिस्टेंस यानी डिस्टेंस का रेशो हर चीज यहाँ पे यूज हुई है हर चीज यूज हुई है तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आठ किलोमीटर जब ये कवर करेगी रिलेशन हमें क्या बोल रहा है कि जो भी फास्टर करेगी उससे हाफ स्लोअर करेगी तो ये और कितना कर लेगी चार किलोमीटर तो अब मुझे बताओ ये चौबीस में से अब ये आठ के बदले ये चार करेगी और जैसे फास्टर यहां पे पहुंच गई क्वेश्चन बोल रहा है ये डिस्टेंस कितना द अदरशिप यानी स्लोअर एंड पोर्ट का तो आठ और चार बारह टोटल चौबीस है तो ये ट्वेल्व इज द आंसर ये क्वेश्चन था स्लॉट थ्री का ट्वेंटी टू कैट में अब आ जाओ ट्वेंटी वन स्लॉट वन कम ऑन गाइज करते शुरुआत तो चलो गाइज अब कैट ट्वेंटी क्वेश्चन है ना तो डेफिनेटली अब, तो अब यहाँ पे आप रिलेटिव स्पीड अपोजिट के लिए एड सेम डायरेक्शन के लिए माइनस वो कंसेप्ट यूज कर सकते हो तो टू ट्रेन क्रॉस इच अदर इन फोर्टीन सेकेंड्स दो ट्रेन है ये ट्रेन वन ये ट्रेन टू एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक इधर ठीक है तो ये कंडीशन आपको टाइम कितना दी है 14 आगे बढ़ते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्शन में दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा एडिशन एस वन प्लस एस टू ठीक है ऑन द पैरल ट्रैक द फास्टर ट्रेन इज वन सिक्सटी मीटर लॉन्ग वो फास्टर ट्रेन चलो इसको मान लेते इसका आपको दे दिया लेंथ वन सिक्सटी मीटर ठीक है एंड क्रॉसेस द लैम्प पोस्ट अच्छा ये फास्टर ट्रेन का एक अलग रिलेशन लैम्प पोस्ट से दिया है हिंट दिए जानबूझकर कर सो दैट आप इसका क्या निकाल सको स्पीड तो फास्टर ट्रेन का लेंथ दे दिया है 160 मीटर और वो लैम्प पोस्ट को लैम्प पोस्ट को क्रॉस करती है मात्र ट्वेल्व सेकंड में तो गाइस लैम्प पोस्ट कौन सा आइटम होता है स्टेशनरी लैम्प पोस्ट कौन सा आइटम होता है विदाउट लेंथ तो जब ट्रेन ऐसे स्टेशनरी विदाउट लेंथ ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है स्पीड ऑफ ट्रेन अफकोर्स ये स्पीड ऑफ ट्रेन किसकी बात हो रही है फास्टर ट्रेन की क्वेश्चन ने दूसरी कंडीशन जो लैम्प पोस्ट को लेकर दी है वो पूरी फास्टर ट्रेन को लेकर दी है जो मैंने इसको माना है तो ये फास्टर है ये स्लोअर है ठीक है तो फास्टर ट्रेन की लेंथ भी दे दी और फास्टर ट्रेन की कंडीशन भी दे दी तो इससे मुझे बताओ ट्रेन क्रॉसिंग पोस्ट मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ क्या बनता है स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम इज इक्वल टू लेंथ तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमें नहीं पता लेकिन टाइम क्वेश्चन ने दे दिया बारह सेकंड और लेंथ दे दी वन तो ट्वेल्व जब इधर डिवाइड कर लेगा ट्वेल्व कितना हो गया ये फोर्टी अपॉन थ्री लेकिन डेफिनेटली अगर ये मीटर में ये सेकंड में तो ये हमारा किस में आया होगा मैंने कहा यूनिट से अच्छी से खेलो इस टॉपिक में मीटर पर सेकंड तो गाइस अगर ये मीटर पर सेकंड है तो किसी भी मीटर पर सेकंड को यह हमें ले ले तो, मतलब क्या? फास्टर 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 दो दो ट्रेन है तो आपको समझ में आएगा ये फास्टर की बात चल रही है हमारी तो बाय थ्री मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है किसी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है से मल्टीप्लाई कर लो देख लो थ्री सिक्स हजार फाइव एट हजार तो ये कितना हुआ फोर्टी एट किलोमीटर पर आवर तो फास्टर ट्रेन का लेंथ पता था स्पीड भी मिल गई आगे देखो इफ द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन अदर मतलब क्या है स्लोअर ट्रेन इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से लेस है देखो ये भी किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्ट में दिया है तो हमने ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्या करना होता है सिंपली एटीन बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर लो तो वो सॉल्व होकर थ्री सिक्स हजार फाइव एट हजार एटीन टू सिक्स फोर्टी एट आया तो इससे हमें स्लोअर की भी मिल जाएगी फास्टर की अगर 48 है तो स्लोअर की कितनी है बस 6 किलोमीटर पर आवर से लेस यानी इससे 6 का माइनस कर दो

दोनों ट्रेन का एडिशन एस एफ प्लस एस एस स्पीड ऑफ फास्टर प्लस स्लोर टू टाइम टाइम कितना यही तो तो मतलब हमें निकालने बोला है क्वेश्चन ने देन फाइंड इट्सोर्स किसकी वाली की क्योंकि फास्टर वाले की तो दी है वाली की. और वो भी मीटर में बोला है तो गाइज अगर मीटर में बोला है तो ये तो सेकंड में है

और जैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए फिक्स रूल है एटीन बाई तो इसका मल्टीप्लाई तो कर लो अब ये हो जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन का मीटर पर सेकंड में ये मीटर में, में तो ये भी मीटर में मिल जाएगा सॉल्व कर लो फाई टू फिफ्टी फोर्टीन ये कितना 350 और बस हो गया ये 160 सिक्सटी इधर आके माइनस वन तो 190 नाइनटी इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ अदर ट्रेन यानी कि स्लोअर ट्रेन हलवा क्वेश्चन था कैट 21 स्लॉट वन का क्वेश्चन था दो ट्रेन का रिलेशन दिया था अपोजिट डायरेक्शन में 14 सेकंड में क्रॉस करती है फास्टर वाली की आपको लेंथ दे दी थी मीटर में और फास्टर वाली की कंडीशन दी थी कि वो लैंप पोस्ट को 12 बा, सेकंड में क्रॉस करती है उससे हमें उसकी स्पीड मिली अब उसके स्पीड से स्लोअर वाली की स्पीड रिलेट की थी छह कम और बस फाइनली इस पे हमने अप्लाई किया बस एक चीज याद से इसको मीटर पर सेकंड में करना था कम ऑन गाइज देखो ये क्वेश्चन टू ट्रेन ए एंड बी अगेन ट्रेन का क्वेश्चन स्लॉट टू टू में भी ट्रेन का क्वेश्चन ही था ट्वेंटी अगेन स्लॉट वन देखा स्लॉट टू टू ट्रेन ए एंड बी वे मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है देर स्पीड बींग इन द रेशो फाइव इज टू थ्री तो चलो ए की स्पीड फाइव एक्स ले लेते हैं बी की स्पीड थ्री एक्स ले लेते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन मतलब देखो सेम ए सी तरह ये ए ट्रेन ये बी ट्रेन तो ये दोनों इधर ठीक है दिस इज वॉट ए दिस इज बी अब देखो स्पीड का रेशो दे दिया फाइव एक्स थ्री एक्स हमने स्पीड ले ली द फ्रंट एंड ये क्वेश्चन मस्त है फ्रंट एंड ऑफ ए ए हमने किसको बोला इसको तो इसका फ्रंट एंड क्रॉस द रेयर एंड ऑफ बी बी अगर इधर जा रही गाइज तो बी का मुंह इधर है ए का मुंह इधर है फेसिंग है ना तो फ्रंट एंड मतलब क्या फेसिंग रेयर एंड मतलब क्या पीछे का तो गाइस फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉसेस द रेयर एंड ऑफ बी तो रेयर एंड ऑफ बी ये है तो पूरी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही क्वेश्चन ने दोनों ट्रेन का नहीं रिलेशन दिया है फ्रंट एंड ऑफ ए जो कि ये है क्रॉसेस द रेयर एंड ऑफ बी इन फोर्टी सिक्स सेकंड मतलब गाइस पता है ये ट्रेन कुछ इस तरह से आपको दिखेगी ये जो ट्रेन ए है ना ये आगे आ गई है इस तरह से इस तरह से तो फ्रंट एंड ऑफ ए ने इसको मतलब यहां से वो निकल दी यहां से वो जो फ्रंट एंड उसका कहा था पहले यहां था अब यहां से हट गई यहां से हट गई और वो ट्रेन किधर आ गई अब यहां पे आ गई पहले उसका फ्रंट एंड यहां था वो रेयर एंड ऑफ बी तक आते आते मतलब उसने कहाँ से कहा तक कवर किया गया इस? यहाँ से यहां तक का कवर का मतलब यहाँ यहाँ एक बार वापिस समझो मस्त क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैं वापिस आपको बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्टेंस को समझना जरूरी है खैर उसने रेशो के फॉर्म में दी है बट दे दी है डिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे तो देख लो ये फ्रंट एंड सबसे पहली वाली पोजिशन ये थी इनिशियल पोजिशन ये थी ए इधर जा रही थी क्वेश्चन ने क्लियर बोला है अपोजिट डायरेक्शन में बी इधर जा रही थी ठीक है फिर आपको बोला है फ्रंट ये ए ट्रेन ये बी ट्रेन फ्रंट एंड ऑफ ए मतलब ये दोनों फिलहाल इस तरह थे ना क्रॉसेज द रेयर एंड ऑफ बी यानी कि ये मतलब फ्रंट एंड ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया ना फ्रंट एंड अभी फिलहाल इसके फ्रंट एंड के बिल्कुल साथ में है तो ये फ्रंट एंड उसके रेयर एंड को क्रॉस कर रहा है मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इतना डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मतलब ही क्या है लेंथ ऑफ बी के बराबर है फ्रंट एंड ऑफ ए ए की लेंथ से हमें भी मतलब ही नहीं है क्योंकि ए का सिर्फ फ्रंट एंड इसके रेयर को बी के रेयर को क्रॉस कर रहा है तो ये यहां से फ्रंट एंड यहां था रेयर को क्रॉस करना मतलब यहां तक आ गया यहां तक आ गया ए का फ्रंट एंड मतलब ए कुछ इस तरह से आपको दिख रही होगी अब ये ए का फ्रंट एंड यहां तक आ गया इस तरह से ठीक है उसकी लेंथ हो सकता है इधर जाए हमें हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब नहीं है फ्रंट एंड से तो फ्रंट एंड कहा था यहां था वो रेयर एंड तक आ गया मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इतना है ना तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस अगर मैं यहां पे अब ओरिजिनल पोजीशन को हटा दूं ट्रेन ए के तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया ये डिस्टेंस हो गया है एल बी के बराबर यानी लेंथ ऑफ बी के बराबर तो पहली कंडीशन में गाइस दोनों का दोनों क्या है अपोजिट टू इच अदर तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी ये मैंने मीटर पर सेकंड में ले लिया इसको भी मीटर पर सेकंड में ले लिया तो ये क्या हुआ फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स एट एक्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है दोनों का तो एडिशन है ना तो स्पीड स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या हुई एट एक्स इन टू टाइम टाइम क्वेश्चन सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है एल बी डिस्टेंस कितना है एल बी बस ये समझने की जरूरत है ठीक है यह समझने की जरूरत है तो गाइज ये बनी फर्स्ट कंडीशन नाउ सेकंड देखो आफ्टर दैट ठीक है फोर्टी सिक्स सेकंड आफ्टर द फ्रंट एंड और उसके बाद देखो क्या हो रहा है जैसे फ्रंट एंड इसके रेयर एंड तक पहुंचा नाउ द फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन हैड क्रॉस ईच अदर ठीक है इट टुक अनादर सिक्सटी नाइन सेकंड फॉर द रेयर एंड ऑफ द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि ट्रेन ए का फ्रंट एंड क्रॉस द रेयर ऑफ बी इन 46 सिक्स सेकंड आफ्टर द फ्रंट एंड क्रॉस ईच अदर मतलब पहले आपको पता है ना स्टार्टिंग वाली पोजीशन क्या थी इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा होगा इसमें पर क्वेश्चन मस्त है तो पहली स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी ये थी इसका फ्रंट एंड और इसका फ्रंट एंड मैच हो रहा था ये देखो यही ये बोला क्वेश्चन ने फ्टर द फ्रंट एंड ऑफ ट्रेन हैड क्रॉस इच अदर तो फ्रंट हैंड जो है एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद इस वाले फ्रंट एंड ने यह रेयर एंड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाया है फोर्टी सिक्स सेकंड यानी इतना डिस्टेंस कवर किया जो कि एलबी के बराबर है अब देखो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहां से हम इस डायग्राम पे पहुंच गए और ये पहुंच गए अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है इट टुक अनादर सिक्सटी नाइन सेकंड फॉर द रेयर एंड ऑफ द ट्रेन टू क्रॉस इच अदर राइज सेकंड पोजिशन उनकी यहां तक आ चुकी है अब रेयर एंड को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए 69 नाइन 69 सिक्सटी बोल रहा है मतलब यहां तक तो जितना लगा उतना लग गया उसके बाद अब जो ये नई पोजीशन बनी है उसमें रेयर एंड मुझे बताओ एक रेयर एंड ये है एक रेयर एंड ये है तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए इनको 69 नाइन लगे मुझे बताओ पहले तो कि अगर एक रेयर एंड ये है गाइस और एक रेयर एंड इस ट्रेन का रेयर एंड ये है ठीक है और इसका ये है

तो इतना डिस्टेंस कवर करना होगा और ये डिस्टेंस इसके बराबर दिख रहा है ये डिस्टेंस इस ट्रेन के बराबर दिख रहा है जिसको हमने क्या बोला है ए यानी एल ए तो फिर से क्या हुआ अपोजिट है एक दूसरे को अगर एक दूसरे को अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड ही होगी नया टाइम सिक्सटी नाइन दिया है लेकिन इस बार डिस्टेंस क्या आया एल ए बस जिसने क्वेश्चन की कंडीशन को पकड़ कर ये जो बराबर लिया होगा ना वो जीत गया रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन की दोनों की स्पीड का रेशियो दिया है उससे एज्यूम कर लिया एटेक्स ही आएगा टाइम भी डायरेक्टली दिया है मेन पंगा क्या था डिस्टेंस को समझने का तो इनिशियल पोजिशन उनकी ये थी ये क्वेश्चन ने बोला है कि जैसे इनके एक को क्रॉस करते हैं क्रॉस द रेयर एंड ऑफ बी जैसे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ट्रेन ए ने इस बी का रेयर एंड क्रॉस किया सिक्स फोर्टी सिक्स सेकेंड में मतलब ये डिस्टेंस जो कि एल बी के बराबर है एल बी के बराबर फिर मान लो कुछ इस तरह से पोजीशन बनी थी इस तरह से पोजीशन बन गई कि इसका एंड बिल्कुल इसके के तरफ है एक दूसरे के रेयर एंड को क्रॉस करने के लिए तो अब रेयर एंड का आप देख लो डिस्टेंस किसके बराबर आया इस ट्रेन के बराबर वही हमने लिखा और देखो फाइनली क्वेश्चन ने क्या बोला लेंथ ऑफ ए टू दैट ऑफ बी खत्म अगर इन दोनों का हमें रेशियो लेना है तो क्या कर लो दिस इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन वन कर लो तो इक्वेशन टू क्या है पहले एल ए पहले बोला है ना फिर एल बी बोला है तो इक्वेशन टू क्या है एट एक्स इंटू सिक्सटी नाइन अपॉन अब इक्वेशन वन एट एक्स इंटू फोर्टी सिक्स इज इक्वल टू एल ए जो हमें निकालना है अपॉन एल बी तो एट एक्स एट एक्स कटा ट्वेंटी थ्री टू हजार ट्वेंटी थ्री थ्री हजार तो थ्री इज टू टू इज द आंसर गाइज ऑप्शन डी थ्री बाई टू थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया आई नो लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इमेजिनेशन बहुत जरूरी थी यहाँ पे डायग्राम की इमेजिनेशन सिचुएशन की इमेजिनेशन एंड गाइज ये था तो देखो मीरा एंड अमल वॉक अ सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है सर्कुलर ट्रैक ठीक है तो सर्कुलर ट्रैक में वो दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं यहां कहीं तो मिलेंगे ही और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं तो जो फास्टर है वो वापिस कभी ना कभी स्लोअर वाले तक आएगा ही है ना क्योंकि वो वो उसी ट्रैक पे घूम रहे हैं तो फास्टर जो है कभी कभी ना कभी स्लोअर वाले के पास आएगा ओवरटेक एक पूरा कंप्लीट राउंड करते हुए और अगर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो राउंड कंप्लीट होने के पहले कहीं तो मिल लेंगे तो सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है और वो बोल रहा है मीरा और अमल वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट तो मैं मीरा की मैं कर लेता हूं कि मीरा जो है वो पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए अगर मैं सिर्फ मीरा की बात करूं तो मीरा यहां से वापस यहां तक कंप्लीट करती है इन एक्स सेकंड्स लो या एक्स मिनट लो ठीक है तो पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेती है एक्स मिनट्स ले लो चलो हर चीज मिनट्स में तो मिनट्स ले लेते हैं तो टाइम टेकन बाय मीरा टू कंप्लीट एंटायर राउंड वन राउंड ठीक है एंटायर वन राउंड

फ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन देन इन फोर्टी फाइव मिनट अमल कंप्लीट एग्जैक्टली थ्री मोर राउंड अगर मान लो दोनों सेम टाइम पे सेम ड मान लो यहां पर वो पॉइंट है दोनों सेम टाइम पे निकले ऑन योर मार गेट सेट गो दोनों साथ में निकले और सेम टाइम पे निकले सेम प्लेस से निकले यही से यहां से अमर भी निकला अमल भी और मीरा भी तो क्वेश्चन बोल रहा है 45 मिनट के बाद एक्जैक्टली exactly क्या हो रहा है अमल कंप्लीट एग्जैक्टली थ्री मोर राउंड देन मीरा मीरा यानी नंबर नंबर ऑफ ऑफ राउंड राउंड बाय बाय अमल इज प्लस थ्री एक्स्ट्रा अमल क्लियरली बोला है क्वेश्चन ने कि 45 मिनट में कितना कर रहा है तीन एक्स्ट्रा राउंड देन मीरा तो गाइज मुझे बताओ बात 45 मिनट की हो रही है और मीरा एक कंप्लीट राउंड एक मिनट में करती है तो 45 मिनट में कितने राउंड कर लेगी 45 फाइव अपॉन एक्स अमल एक पूरा राउंड वाई मिनट में करता है तो फोर्टी फाइव मिनट में कितना कर लेगा फोर्टी फाइव अपॉइंट वाई सिंपल है यार अगर इमेजिन करो मीरा एक पूरा राउंड पांच मिनट में करती है तो फोर्टी फाइव मिनट में कितना कर लेगी नाइन फोर्टी फाइव अपॉइंट फाइव कैसे निकाला पांच मिनट में एक राउंड तो फोर्टी फाइव मिनट में फोर्टी फाइव अपॉइंट फाइव नाइन राउंड तो यहां तो हमें मालूम नहीं ना कितना इसलिए हमने और वाई माना है कि एक्स मिनट में मीरा कंप्लीट एक राउंड करती है वाई मिनट में अमल एक कंप्लीट राउंड करता है तो इन फोर्टी फाइव मिनट्स

मीरा मीरा एक राउंड के के लिए मिनट लेती है तो 45 में, 45 तो में अमल इन 45 नंबर इन 45 और क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये जो नंबर ऑफ राउंड ऑफ अमल है ये तीन ज्यादा है मीरा ये कंडीशन इसको मैं ऐसा लिख लू फोर्टी फाइव बाई बाय माइनस हो गया, गया इस बस फोर्टी फाइव x एक्स

यार जब अपोजिट डायरेक्शन में निकले अभी मैंने बताया था ना दोनों सेम सेम टाइम पे प्लेस से निकले तो अमल मान लो अपनी स्पीड से यहां तक आया मीरा तक आई एक दूसरे को मिल लिया तो थी अब हम बनाते हैं इन थ्री मिनट इन थ्री मिनट्स अमल कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा अरे सेम 45 जैसे थ्री मिनट के लिए करो अगर अमल पूरा राउंड वाई मिनट में करता है तो तीन मिनट में कितना कर लेगा थ्री बाय वाई ठीक है ये मान लो अमल ने थ्री बाय वाई इतना किया ठीक है दोनों एक दूसरे को मिले मतलब कंप्लीट एक राउंड हुआ ना कंप्लीट एक राउंड यार अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट टाइम मिलना मतलब पूरा एक राउंड होना आप ही बता दो इमेजिन करो यहां से अगर दोनों निकल रहे एक तरफ निकली मीरा एक तरफ अमल और दोनों फर्स्ट टाइम मिले हैं तीन मिनट के बाद है ना दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पे फोकस करो आफ्टर थ्री मिनट तो जैसे तीन मिनट हो गए दोनों यहां पे थे कंप्लीट तो एक राउंड हुआ ना यार अगर दोनों को मिला दो तो कुछ राउंड अमल ने किया यहां से लेकर यहां तक कुछ राउंड मीरा ने किया यहां से लेकर यहां तक और पूरा एक राउंड हुआ तो अमल ने कितना राउंड किया तीन मिनट में पूरा राउंड के लिए वो वाई, वाई मिनट लेता है तो तीन मिनट में थ्री बाय वाई सेम इसी तरह अगेन मीरा पूरे राउंड के लिए एक्स लेती है तो थ्री मिनट में थ्री बाय एक्स और दोनों का मिलाकर एक राउंड कंप्लीट हुआ

इज टू क्योंकि वन बाय वाई माइनस वन बाय वाई कट चुका है वन बाय एक्स माइनस माइनस प्लस वन बाय एक्स इज टू वन बाय थ्री इक्वेशन टू का आर माइनस क्योंकि माइनस कर रहे हैं इक्वेशन वन का आर बस तो गाइज ये कितना हो गया वन प्लस वन टू बाय एक्स डिनोमिनेटर सेम है एक कर लो क्रॉस सब्ट्रैक्शन फिफ्टीन माइनस थ्री ट्वेल्व अगेन टू ने इसको डिवाइड कर दिया तो वन बाय एक्स इज टेकिंग रेसी ऑन बोथ साइड तो एक्स कितना मिला 45 फाइव अपॉन सिक्स मतलब के साढ़े सात मिनट साढ़े सात मिनट तो गाइस एक्स और वाई हमने किसमें लिया था मिनट में तो हमारा आंसर आ चुका है बस एक सोच बाकी है साढ़े सात मिनट तो क्या है साढ़े सात मिनट है कि मीरा को ये एक्स और वाई हमने क्या किया है मीरा को कितना टाइम लगता है पर राउंड ये एक्स लिया है और अमल को कितना टाइम लगता है पर राउंड ये वाई लिया है तो गाइज साढ़े सात जो आया है ये आया है मीरा को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए अकेली मीरा को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए साढ़े सात मिनट लगते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है एक घंटे में वो कितना राउंड कंप्लीट करेगी यानी साठ मिनट में तो एक राउंड के लिए साढ़े मिनट मतलब तो साढ़े मिनट में अगर एक राउंड तो साठ मिनट में कितने कर लो यार ऐसे ही ना साढ़े मिनट में एक राउंड तो सिक्सटी मिनट में कितने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वही मैंने यहाँ किया क्योंकि अल्टीमेटली साढ़े सात जो एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है सिक्सटी टू वन सिक्सटी और सेवन पॉइंट फाइव उसको डिवाइड ही करेगा ना तो डेसिमल हटाने के लिए नाउ फिफ्टीन फाइव आर फिफ्टीन और फोर्टी अपॉन फाइव एट राउंड्स ठीक है ना डेसिमल हटाने के लिए टेन टेन से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स हंड्रेड अपॉन सेवेंटी फाइव एट राउंड एंसर गए स्टीटा टाइप था तो बस एट लिख देना था आपको उस टाइप इन द आंसर बॉक्स में चमका गाइस तो हलवा क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन था बस हमने क्या मान लिया मीरा को कंप्लीट एक राउंड करने के लिए एक्स मिनट लगते हैं और वही कंप्लीट एक राउंड अमल को अकेले को करने के लिए वाई लगते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला 45 मिनट में क्या सीन था अमल का नंबर ऑफ राउंड तो अमल का नंबर ऑफ राउंड क्या होगा एक राउंड के लिए वाई मिनट तो फोर्टी फाइव बाय वाई ये मीरा के नंबर ऑफ राउंड जो कि फोर्टी फाइव बाई एक्स है उससे तीन ज्यादा उससे हमें एक इक्वेशन मिला सब उसको सिंप्लीफाई करके ये इधर ले लिया फिर फोर्टी फाइव से डिवाइड किया तो वन बाय वाय माइनस वन बाय एक्स इज वन बाय फिफ्टीन

थ्री बाय मीरा के लिए दोनों मिला के एक राउंड दोनों को फिर से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया थ्री से डिवाइड करके और फिर सॉल्व किया गाइस तो आपको एक्स मिल गया साढ़े सात कैसे सॉल्व किया दोनों में माइनस किया तो ये कटा एक्स मिला साढ़े सात मिनट यानी मीरा अकेली साढ़े सात मिनट में एक राउंड करती है तो साठ मिनट में कितना कर लेगी देखो यार कॉमन सेंस भी अप्लाई कर लो साढ़े सात मिनट में एक राउंड यानी पंद्रह मिनट में दो राउंड तो पंद्रह मिनट में दो राउंड तो एक घंटे में कितने फिफ्टीन 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 चार बार होते हैं ना

जो फ्रेशर्स है उन्होंने देख लो क्योंकि वो देखोगे तो ये चमकेगा जो रिपीटर्स है जो पहले कैट दे चुके हैं जो पहले कुछ तो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है खास उन्हीं के लिए कि उनको एक क्लिक हो जाए फटाफट बेसिक तो सब आता है सर अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लो लेकिन जो फ्रेशर से जो फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने वो सारा कंप्लीट करके ये देखना है तो मस्त चमकेगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में गाई स्टिल देन बाय बाय गुड डे टेक केयर एंजॉय